अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जनाब। सुबह 8 बजे का टाइम है और ये जानवर बाहर निकलना शुरू हो गए। धूप आज कोई नहीं निकली हुई और बारिश का यहाँ पे माहौल बना हुआ है। जो रात का पानी पड़ा होता है जी, वो ये गिरा देते हैं। अब ये देखें ये क्या, और फिर इधर नया पानी डाल देंगे। कामरान जनाब घर जा रहा है छुट्टी पे, उससे पहले भट्ट साहब जनाब उसका सामान चेक कर रहे हैं, अंडा ही ना डाल के ले दे। ये जब दोनों उस दूसरे फार्म पे होते थे ना, तो उधर मुर्गियों के अंडे बड़े चोरी होते, ये दोनों ही उधर होते थे और दोनों ही दूसरे पे ना इल्ज़ाम लगाते रहते। अब बैग चेक हो गया जिसका, अंडे बरामद को नहीं हुए लगता। ले जनाब कामरान साहब तो हो गए रुखसत लाहौर जाने के लिए, कुछ दिन के लिए, यानी कि इधर फार्म पे सुकून हो गया। बहुत बेआबर वो कर तेरे फार्म से हम निकले। 15-20 मछलियां वेखियां जी, विच 15-20 वेखियां जी आपू। हाँ जी, पानी बिल्कुल कर सड़िया, थोड़ी जी हेठा छपड़ी चो फिर है जुता होता हूँ। अच्छा, तो वड़ियां हुई हैं कि उड़ियां हैं? अड़िया अड़िया हुई हैं। अच्छा, बदखा किन्ने अंडे दे रही हैं? बदखा ने आज 2 दिते हैं। कल किन्ने? कल 5 है, परसों भी 5 है। अच्छा, फिर मतलब शुरू हो गई हैं दे रही हैं। चलें आज बदखों का सिस्टम देखते हैं, अंडे देने तो शुरू हो गई हैं। अब मेरा दिल सीजन आ गया इनके ना अंडों से बच्चे निकलवा लो। बाद साहब ने ना ये जगह बना दी है इनकी, घास डाल के ना। सिर्फ बुरी बकरी जनाब जिसने बच्चे पैदा किए हैं, एक तो इसने बच्चे पैदा किए हैं, एक इसने किए हैं। ये तो ठीक है, इसको तो नहीं कोई टीका वीका लगाया था ना सूरभ को? इसका को नहीं इंजेक्शन लगा टीका, इसको थोड़ी सोजिश आ गई है। इसका शुएब साहब ने जनाब कुछ इलाज किया, ये इनसे पूछते हैं जी क्या इलाज किया, थोड़ी सी सोजिश इसमें आ गई थी। शुएब क्या आपने इलाज किया इसका? सर एंटीबायोटिक जो है ना वो हमने लगाया इसको सेप्टीहाइड, और पेन किलर के तौर पर हमने इसको कीटोजेक्ट लगाया, साथ में फेब्रोमी भी दी है, और जो देसी था वो हमने काली मिर्च और घी दी है। काली मिर्च 20 ग्राम और घी जो था वो 70 ग्राम था इसके अंदर। अच्छा, इंजेक्शन कौन कौन से थे? सेफ्टी हाइट और कीटोजेक्ट। कितना कितना लगाया? सेफ्टी हाइट 3 cc लगाया और कीटोजेक्ट 4 cc लगाया। इसका वजन कितना होगा अंदाजा? तकरीबन 50 से 60 के दरमियान होगा इसका वजन। अच्छा, ये जो इंजेक्शन बता रहे हैं शुएब साहब, ये आप लिख लें ताकि आपके जानवर को भी हल्का फुल्का का मसला हो, कुछ सोजिश वगैरह का इस जो बच्चे पैदा करने के बाद। रोटी है, ये रोटी चोरी कर पता चल गया तेरे लिए नहीं रोटी, मैं दूसरी बकरी के लिए जिन्हें बच्चे पैदा किए हैं देख लिया, थोड़ी सी से भी दे देते, ज़्यादा दी ना तो दूसरे को पता चल जाना, उन सब ने हमला कर देना। ये ले है बड़ी अच्छी बकरी ये, असल में ये बकरी ना इस बार फिर इसने बच्चे टक्कर लगी थी ना, शेरी ने मारा था, इस बेचारी को टक्कर लगी थी, शेरी ने मारा इसकी टांगे हो गई आसमान की तरफ और 2 बच्चे इसने गिरा दिए। बहुत शरीफ नफ्स बकरी है, इस बकरी ने फड़े हुए यार इन्हें रोटी खवानी, इन्हें उधर बाहर ले आओ, इतने जड़ा ना इन्होंने दूजिया ने बेचारी से हमला कर देना।
ये देखा इसने बच्चे दिए, दूध बड़ा देती है, तो इसलिए ना इसकी जो स्पेशल खिदमत। ये देखा ही लालची लालची है, खाने आ रही है। चलो जी, इतना बड़ा मुँह एक ही बार खा जाती है, आधी रोटी एक बार खा जाती है ये वाली बकरी। अब ये देखें, ये आधी रोटी दे, आधी रोटी देखा खा गई, और ये आधी रोटी है देखिएगा, एकदम ही खा जाएगी। ये देखें इतना बड़ा मुँह है इसका। वो भी चेक कर रहे हैं, हमें भी दो। ये कोको मुँह है जो, हमें भी दो। चलो भागो नहीं देती, ये बड़ी लालची नहीं होती है। ए उधर फायरिंग होने लग पड़ी है, भाग जो कातल आ गए। डाल दिए, वो जो काली बकरी जिसने बच्चे दिए ना, ये वो बड़ी डरती है, ये देखे ना, ये डर के भाग गई। शेर भी इसे ना दिखाते हैं रोटी, हो सकता आई जाए, इसे पीछे भागेंगे तो इसने ना भागेंगे तो इसने और भागना है। ए रोटी। ये काबू आ गई। ए तेरी ने रोटी देखी है, देखा इतनी घबराती है, रोटी की तरफ ही तवज्जो नहीं कर रही। हालांकि रोटी बकरियों की ना फेवरेट चीज होती है। एक डेढ़ रोटी इसके हिस्से में आ गई, खुश होती है रोटी। टाइम लगा खाने में। ये जनाब ये खा गई सारी रोटी, तो दो रोटियां तकरीबन इसे मिल गई, छोड़ लें बस। लेकिन है ये डरपोक, खा के फिर भी भाग ही जाएगी। ये पीछे कुछ सोजिश आई थी नहीं आई, इससे सोजिश नहीं आई। खाना वाना इसे अच्छा बनाया, अब देखें अब आ रही है। वैसे ये डरती है ना, देखें फिर रिजक जो है लंगर, ये मजबूर कर देता है ना जानवर को इंसान के पास आने के लिए। पहले डरती थी, अब इसका इतमाद बाल हुआ है, रोटी खिलाइए। अब कोई नहीं, रोटी ये देख लो कल मिलेगी। दस से तो आम जा रही है, बच्चा बाल्टी जनाब उठ गई। ये उस बकरी का बच्चा है ना जी, जिसको सोजिश हुई थी और उसका इलाज किया है। उसके तीन बच्चे हैं, एक शेप उस पर गया कि दो उस पर गए, एक उस पर गया 100%, एक ये साथ वाला ये थोड़ा उस पर गया, और एक और भी है वो नीचे बैठी पाठ की, तीनों बहन भाई इकट्ठे ही। ये शैतानी टूटियां आ गई, आइए बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करेंगी। इधर असल में फीडर पीना होता है, ये देखना, ये फीडर से फीडर समझ रहे। आज जनाब इनके सींग ख़त्म किए गए, छह बच्चों के सींग आज ख़त्म हो गए। 6 भी खत्म हो गए, ये देखें ये पौधा हो गया, इसके भी हो गए। जो जो हफ्ते का हो गया ना तकरीबन, उसके खत्म हो गए। ये सो रहे हैं दो, अभी इनके तीन चार ना और आ जाने हैं।
कंपेनियन साथी, दो बकरियां रहती हैं बच्चे देने वाली। शीशियां कर रहे हैं। ओए काकू, ओए दूध पीना दूध। जेब साहब जनाब तशरीफ ला चुके हैं सिगरेट लगा के। ऐसे मेरे सिगरेट पीने शुरू कर देते हैं। सागर सदीकी की रूह खुश हो गई थी तो नहीं शुरू कराने। तो बच्चा पार्टी जनाब नई जगह पे सेट हो गई है। पहले तो दरवाजे के पास ही खड़े रहते थे कि वापस कब जाएंगे, जहाँ से आए। आज जो है ना ये खाने पीने में अपने मगन हो गए। दूसरी बड़ी पार्टी उधर ही रहेगी और छोटी पार्टी जनाब इधर आ गई। जेब ने जनाब नई कार ली है जी, है तो पुराना मॉडल ही लेकिन ये बैटरी पे चलती है, ये ना आवाज़ कोई नहीं। अब इसके साथ जनाब ज़रा मटर गश्त के लिए निकल रहे हैं। अभी अब जनाब हम तुम हो गए, बारिश हो गई, जा रहे हैं जनाब साईं अख्तर साहब की तरफ चेक करने, उन्होंने धनिया लगाया कि नहीं लगाया। क्या हाल है? कुत्ते चले हो? कुत्ते जाओ फिर जवानी जी चंगा ही होता, बंदा टाइम ना किसी पासे लग जाए। मान लै के जाना उत्ते कराया चाहिए करा। नहीं थोबे ने जनाब जेब हल्की की है। लो फिर लवाओ लवाओ टिकट, फिर टाइम ना किसी पासे लग जाओ। इस्लामाबाद का तू जाना जी। इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम बढ़ गया। धनिया लाया कोई नहीं जी, धनिया तो बखाने आज आज धनिया देखना है, घोट के पियाना भी आज सर। साईं जी मैं सुनिया जिहड़ियां चड़ेलां होंदियां ने उन्हां दा जिहड़ा साया होंदा उह पुट्ठा होंदा है। आ जिहड़े साडे वाक नहीं आए इह जनाब ना राती बोल रही गिदड़ी, मैनूं फोन कर ते रिहा कसम नूं पता कर लगे मूलिया बीना सरकार एक सदा भर बी होंगे मूली का बाग जनाब खत्म करने जा रहे हैं सारे, ये वाले कह रहे हैं फायदा नहीं हो रहा। असल में बाग लगाना जो है ना ये शौक से बंदा लगा तो लेता है, लेकिन बाग को आगे संभालना और फल उतारना बेचना ये बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर बंदे मैंने देखा बाग लगा के तो फिर ख़त्म करवा देते हैं। बाग के अंदर जनाब एंट्री होगी, एक बाग कदू ख़त्म करना नहीं फल तैयार है जी, बिल्कुल कह रहे हैं कि तारने के बाद इसको खत्म कर देना बाग को। ये देखिए ना क्या साइंस साइंस पुटी होगी, मरूद में मरूद फुट पड़ा है जी।
खराब हो गए ये धुंध ने गेम डाल दी। धुंध की वजह से फल जो है ना ये काफी जल गए। ये जनाब हजरत साईं ताज़ा अमरूद पाट के लाए हैं। पाट के पाटा हुआ था कौन है? मैंने जो गोलगप्पा उठाया वो नीचे से पाटा हुआ था। अब ये जो जोड़ा लगा हुआ है ना इनका, ये उतार के ना साईं जी के कोकनी में मारते हैं इसको। टोटनी क्या ले गंजे हैं ना ऊपर से, सही मजा आएगा। एक जनाब ये क्यारा तैयार हो गया है जिसमें ये लगाएंगे बंद गोभी। बंद गोभी बंद गोभी और काली तोरी। अरे चिट्टी तोरी काली चिट्टी भी होती और देसी टिंडे। देसी टिंडे अच्छा। जनाब साईं साहब फरमा रहे हैं कि फल बहुत कम लगा है और तरेल की वजह से अक्सर फल जो है ना वो उतर गया है। ये देखें कहते हैं ये गोडी छोटी बड़ी होती है, इन्हें बड़ा करना पड़ता है इंतज़ाम, फिर जाके बाग रहता है। तो इसलिए इस हालत में बाग रखने का फ़ायदा को नहीं, इसलिए फिर इसको ना ख़त्म करवाया जा रहा है। साईं जी मैं हिसाब लाया कि बस जिन्हें बाग उन रखे है ना उन्हें बस ना ही रखे आप ना ही रखे बाग अजकल अक्सर बंद ने गावं रखी होंगे ने उन रोंद होंगे ने पर ना ही होंगे फार्म रखे। कणक होगी लगी छड़ी कणक तो नहीं लैनी, साल में दो फसल अगो मुंजू भी लैनी दो मोटर ना 206 इंच पानी। ये शायद लिली के फूल हैं, लिली शायद। ये देखें कितना प्यारा फूल है, देखें खुशबू पता नहीं इसकी है कि नहीं लेकिन फूल बड़ा प्यारा है। ठीक है ये देखिए ये कैसा, ये कैसी चीज़ है। और ये देखें यार किसी का लीटर यहाँ पे पड़ा रह गया। ये वो दवाई है जिससे कीड़े मरते हैं। बोतल और जनाब लीटर का दूसरा जो पैर है वो ये पड़ा हुआ। अच्छा मैं क्या तुम क्यों बैठे हो? मानी नहीं ठीक ने चेयरमैन दे मैं क्या वो क्यों भाई मैं क्या ला लो बंदे आज के बाद मैं इधर नहीं आना जो पीने पीना सुटा पर मंजी डाल दिना मैं उसी बाजत बैठ तरीके नाल पर ये जरा चोर आ रहे तरीके नाल पाउडर पियो आ तरीके नाल पियो मैं क्या है नहीं नहीं साईं साहब जनाब छोटा सा अमरूद लेके आए हैं कहते हैं पाका हुआ। सूरज के डूबने का नज़ारा जहाँ देखें कैसा आ रहा है।
ऐसे लग रहा जैसे सी हॉर्स होता है ना, समुद्री घोड़ा। ये है जनाब देहाती माहौल, पूरी सूरज गुरूब हो रहा है, नीचे सोभा जी की गाड़ी खड़ी है सूरज के नीचे। ये सूरज के उत्ते गुरूब बना दिया, इन्हें तो टूट जाना। कुछ नहीं टूटती। अच्छा सूरज दूर है, बाकी बड़ा सियाणा निकला है। हाँ थोड़ा खबिया तो डूब रहा है ना, थोड़ा उरा होता ना, फिर कार भर चंगा फिर चंगा जी। हाँ जो जिंदगी ना रही तो फिर अगले जान नहीं मिला, जान नहीं मिला। ठीक खुदा फिर। दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, इतना बेसम इतना चल लौट के घर जाना है। ਬਸ ਜੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੁਸ਼ਿਦ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਜੇ ਫਟਾਫਟ ਚਲੋ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏ। ਬਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ। ਚਲੋ ਫਟਾਫਟ ਲਗਾ ਦਿਆ, ਆਰਾਮ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ बच गए, गाड़ी तो बाहर नहीं हुई पाई, आराम निकल आए उधर से। अमरूद जनाब काफ़ी सारे जो हैं वो हमें गिफ्ट हो गए। ये जनाब लेकिन इधर दौड़ लग गई, बेड़े ही बेड़े। ये हैं चाकी वाली बेड़े, इनमें बता रहा था पठान चर्बी होती है, जहाँ से गुजरती है वहाँ पे मेघरियाँ करती जाती है। एक बेड़ा वाला ये आ गया जी, पठान बेड़े रखते हैं, आसान काम, बकरियाँ नहीं पठान रखती। अब जनाब शाम का टाइम होने वाला है, वो सामने से गन्ना चूपता हुआ आ रहा है, सब्जी फार्म का विजिट करने चल पड़े हैं शाम से पहले। सूरज तो जनाब दूर किकर के पीछे डूब गया और होगी शाम, शाम के साथ ही हम भी करते हैं आराम और आप भी करें आराम। सुबह इंशाल्लाह फिर दोबारा होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। पेमेंट